नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा फाइनली इंडियन एम्बेसी ओमान में, जो कि आप सभी के लिए बड़ा अपडेट दिया। अगर जो इस समय आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया से आना चाहते हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी ने आज बड़ा अपडेट जारी किया जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या होगा पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आपको बताएं कि जो ये बीमारी इस समय चल रही है, बीमारी की वजह से सभी एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। सभी एयरपोर्ट हैं तकरीबन दुनिया के सभी कंट्री में से बहुत ना मात्रा कंट्री होगी जहां की मतलब रेगुलर इंटरनल फ्लाइट स्टार्ट हो गई। लेकिन इंडिया की बात करें तो आप अगर जो ये मार्च से पहले इंडिया में गए, आप अपना वीजा पता का लग रिन्यू करा के फिर छुट्टी काटने के लिए इंडिया गए, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया जाने के बाद ये बीमारी फैलती है, बीमारी फैलने के बाद पूरी तरह से एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो फाइनली आप अगर जो आपका वीजा भी एक्सपायर हो गया या आपका क्या है प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। आपको ऐसा टिकट आपका खराब नहीं जाएगा अगर जो आपने टिकट करा लिया था या आपका है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, खराब कभी नहीं होगा, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आने वाले वक्तों में कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करें कि अगर जो जैसे आपका छुट्टी काटने के लिए गए थे, आप इस समय ओमान में आना चाहते थे, तो पहले क्या था कि पहले इस समय ओमान में वही लोग इंटर कर पा रहे थे, ओमानी सिटीजन हो गए या फिर जो इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं पे भी रहते थे वो नर्स हो गई या डॉक्टर हो गई। इन लोगों के लिए स्पेशल मतलब ओमान की गवर्नमेंट ने स्पेशल ऐलान किया था, स्पेशल फ्लाइट भी गई थी, वो लोग ओमान में आ सकते थे। लेकिन फाइनली अब उन लोगों के लिए जो नॉर्मल स्थिति में है, जो अपना वर्क करते हैं नॉर्मल किसी कंपनी में या प्राइवेट लाइन में या किसी भी जॉब अपना ओमान में करते हैं, वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज है। ओमान की सरकार ने मतलब फाइनली ऐलान कर दिया, जो कि इंडियन एम्बेसी खुद आज ओमान में जो इंडियन एम्बेसी मस्कत में उसने खुद मतलब ये उन्होंने कहा पूरा उन्होंने मतलब बाकायदा एक मैसेज शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पे। तो उन्होंने क्या कहा, भारत सरकार और ओमान की सरकार की आवश्यक मंजूरी होने पे वंदे भारत मिशन जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें उधर से तो खाली आ रही है ना, उधर से तो पूरी तरह से खाली आ रही, तो ओमान लौट सकते हैं। बुधवार को उन्होंने टाइम आप ओमान में ये लेख भी छपा है, अगर जो आप वहाँ पे आपको यकीन नहीं है तो आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। फंसे ओमान ने बताया जो कि फंसे हुए प्रवासियों को ओमान वापस आ सकते हैं अगर उनके देश में अगर जो आप जैसे इंडिया के रहने वाले हो, तो इंडिया में आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा कि ओमान की एम्बेसी कहाँ है, दिल्ली है, मुंबई है, बिहार में है, कलकत्ता में है, कहाँ कहाँ है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, वरना आप नहीं आ पाओगे। वैसा नॉर्मली ये मत सोचो कि बस नॉर्मल स्थिति में हम अपना टिकट कटाएंगे आ जाएंगे। जो इस समय दुबई में जो लोग भी जा रहे हैं उसको भी मतलब परमिशन लेना पड़ रहा है। जो लोग परमिशन नहीं लेंगे वैसे ही चूतियापंथी की तरह टिकट निकाल देंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं उनका पैसा 100% डूब जाएगा, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आपको अगर जो ओमान में आना है तो आपको फिर सबसे पहले उन्होंने ओमान दूतावास से मंजूरी, ओमान की सरकार ने आवश्यक अनुमान होने पर लोगों को भारत में वंदे मिशन फ्लाइट की ओमान लौट सकते हैं, अधिकारी ने बस टिकट खरीदना और ओमान जाने की जरूरत है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कि आप अगर जो ट्विटर चलाते हो या फिर फेसबुक चलाते हो, तो ओमान एम्बेसी जो इंडिया में रहती है उसको आपको फॉलो करना, उससे फिर आपको मंजूरी लेना पड़ेगा। या आप अगर जो ट्विटर चलाते हो तो आप ट्विटर को फॉलो करके आप अपना सवाल पूछ सकते हो क्या क्या प्रोसेसर उसमें लगेगा। तो वहां से जब मंजूरी दे दी गई ओमान की जो कि इंडिया में जो एम्बेसी है, उसके बाद आप फटाफट टिकट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना डायरेक्ट आप अगर जो अपना टिकट खरीद लेते हो ओमान की एम्बेसी से बगैर अनुमति लिए हुए, तो आपको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ेगा, आपका टिकट का प्राइस जो भी रहेगा सब डूब जाएगा। तो फाइनली ओमान की एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी ने ये मतलब अपडेट किया आप सभी के लिए कि अगर जो आप इंडिया से आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको कंपनी से परमिशन लेना है ना ही कुछ, परमिशन केवल ओमान की एम्बेसी से लेना है बस। जो भी इंडिया में कहीं अगर जो इंडिया के रहने वाले हो तो इंडिया में, बांग्लादेश के रहने वाले हो तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान कहीं के भी मतलब रहने वाले हो तो ऐसा आपको प्रोसेसर करना पड़ेगा, तब फिर आपका ओमान में इंटर किया जाएगा। तो फाइनली ये तो जो कि ओमान की एम्बेसी ने दिया आपके लिए काफी गुड न्यूज है, उन सभी के लिए जो छुट्टी गए थे, जो लोग छुट्टी गए थे उन लोगों को सबसे पहले क्या होगा कि परमिशन लेके वो आ सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि हम ओमान की सरकार या इंडियन गवर्नमेंट ने हमें जाने नहीं दिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।